जय श्री कृष्ण। स्टार प्लस की यूट्यूब पेज पर आने के लिए आप सभी का बहुत 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 धन्यवाद। अपने फेवरेट शो देखने के लिए स्टार प्लस की यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब करें और वो बेल आइकन को हिट करना मत भूलिए। ध्यान रखियो। ये रिश्ता क्या कहलाता है? मुन्ना, बेटा एक बात भी करनी थी तुझसे। तू बैठना आराम से। कहिए ना माँ। बेटा, मेरी बात का गलत मतलब मत समझना। वो मुझे ठीक नहीं लग रहा, बस इसलिए कह रही हूँ। क्या माँ? मुन्ना, बहू की सहेली है ना पायल। हाँ? वो इतना मिलना जुलना उसके साथ अच्छा नहीं है। अब क्लास तक जाने तक ठीक है बेटा, लेकिन ये रोज रोज घूमना, रोज बाजार। माँ, अच्छा से मैंने ही खुद कहा था कि वो अपने आप को थोड़ा बिजी रखे, नए फ्रेंड्स बनाने चाहिए। अब दो दिन की दोस्ती में इतना करीब आना ठीक नहीं होता मुन्ना। अब तू सोच, अगर बहू अकेली बाजार गई होती तो अब तक लौट आती, लेकिन पायल के साथ है इसलिए दिन भर अब बाहर ही रहती है। अब मुन्ना, तू समझ रहा है ना बेटा, तू अपने तरीके से बहू को समझा दे, बस उससे थोड़ा दूर ही रहे। आप चिंता मत कीजिए, अक्षरा समझदार है, वो इतना जल्दी किसी के प्रभाव में नहीं आएंगी। हाँ मुन्ना, लेकिन बेटा आप तो अब भी हमें बच्चा ही समझती हैं। आप टेंशन मत लीजिए, मैं सब देख लूंगा। ठीक है। छोटी दुल्हन, किस वास्ते आई थी जहां? तथा जी, वो मां मुझसे थारे से कुछ पूछ रहा हूं, सुनाई ना देता कि तने जी, बस ऐसे ही मैं क्षमा चाहती हूँ। के है जे वाहे मारे से छिपके मिलना आवे है तोड़ा से। तथा जी, माँ मुझसे मिलने नहीं आई थी। तू बीच में मत ही बोल, तू शायद जाने समझाने आई थी। सुन लियो, ये क्यों थारे छोरे ने कि जा जो कर रहे हो है सही कर रहे हो है, जाने सब समझे है। कह दियो ना इतने इन दोनों की चिंता करने की कोई जरूरत ना है। तो कहा है फिर अपना मन खपावे है दोनों के वास्ते? दे दियो ना दो टुक जवाब, बहू ने जान जाना है जान दो, जब आना है आवे। मुन्ना ने जय क्यों था ना कि वहां की बहू जो कर रही है सही कर रही है। अ
अरे यही सब देख के तो मैंने फैसला लियो था, जादोना ने जो करना है कर दो। दादाजी ऐसा कुछ भी, तू मारे हर मामले से दूर रह। जब मैं थारी किसी भी बात में ना पढ़ू हूं तो तू भी मत ही पढ़। काहे ने टोक के अपना अपमान करवा भी है हुँ? वो दादाजी हमसे नाराज है ना, इसीलिए वो शरांदा चली। नैतिक मुझे बताइए क्या हुआ। माँ तो मेरी फाइल ढूंढने में मदद कर रही थी, दादाजी को लगा कि वो मुझसे मिलने आई थी। हमारी बातें सुनकर उनको गलतफहमी हो गई, उसके बाद तो आपने देखा वो मेरी कोई भी बात सुनने को तैयार ही नहीं थे। हम क्या करें नैतिक, आज देखिए हमारी वजह से दादाजी माँ पे नाराज हो गए। आगे से ना हम अपना सारा काम खुद ही देखेंगे। मैं नहीं चाहती हमारी वजह से किसी को भी शिकायत हो। माँ को क्यों माफी मांगनी पड़ी। आप सही कह रही हैं, मां को बहुत बुरा लगा होगा। मां ये देखिए हम क्या लाए, बहुत सारी चीजें लाए हैं। अच्छा है ना। छोटी माँ आपने जो बुटीक बताया था वहीं से लिया है। माँ बताइए ना कैसा है। छोड़ ना माँ, आप गुस्से में हैं। नहीं, माँ आपको पता है मैंने आज अपना ब्लाउज भी दे दिया सिलने। दीदी कह रही थी कि मुझे आदत डालनी चाहिए साड़ी पहनने की, पिछली बार तो भाभी ने हेल्प की थी ना साड़ी पहनने में। लेकिन अब तो छोटी माँ क्या रश्मि की शादी में भी अक्षरा नैतिक नहीं होंगे। अरे ऐसे कैसे नहीं होंगे, दादाजी उन्हें शादी में आने से कभी नहीं रोकेंगे, है ना माँ। मुझसे क्या पूछ रही है, जाकर उनसे पूछ जिनके पास सवालों के जवाब है, वही बताएंगे क्या करना है क्या नहीं। मेरे चाहने ना चाहने से कुछ होता है इस घर में, उल्टी सीधी बातें करना बंद कर। तुम लोग जाओ यहां से। रश्मि चलो ये सामान रखाते हैं। आप इन बेचारे बच्चों पे क्यों नाराज हैं? क्या बात है गायत्री जी? थोड़ी सी देर के लिए मुन्ना के कमरे में चली गई, उसे कोई फाइल नहीं मिल रही थी, बहू है नहीं तो मैंने सोचा मैं मदद कर दूं। दादाजी इस बात को लेकर इतना नाराज हो गए, सबके सामने शर्मिंदा होना पड़ा मुझे। ऐसा है हाईकमांड, दादाजी नहीं चाहते कि हम बच्चों के कामों में उनके जीवन में दखल दें। चीज नहीं कर सकती हूँ मैं। नहीं, इस समय जो इस घर में परिस्थितियां हैं आप उसमें ऐसा नहीं कर सकती। इस समय तो हाईकमांड आप बस शांत रहिए, ऐसे माहौल में अगर हम भी अपना आपा खो देंगे तो दत्ता जी और मुन्ना के बीच जो दूरियां हैं वो और भी बढ़ जाएगी। आप धैर्य रखिए। हेलो, हाँ जी कहिए।
परवाह का तो सारा काम खत्म हो गया था, बाकी का काम हम उदयपुर से देख सकते हैं। क्यों, अभी कुछ दिन पहले तो मैं दिल्ली से आया हूं। ठीक है, नो प्रॉब्लम, अगर आना पड़ेगा तो मैं आ जाऊंगा। ओके अक्षरा, मैं थोड़ा जल्दी में हूँ, आप प्लीज मेरा लैपटॉप दे दीजिए। ये देख, सब ठीक तो है ना? आप फोन पर क्या कह रहे थे? वो अचानक से शायद आज दिल्ली जाना पड़े, आप प्लीज मेरे दो जोड़ी कपड़े पैक कर दीजिए। क्यों ऐसे अचानक से? बस एक जरूरी मीटिंग है, हो सकता है ये से मैनेज हो जाए, जाना ही ना पड़े। हाँ लेकिन अगर आप दिल्ली गए तो जाने से पहले मुझे फोन कीजिएगा। ओके एक मिनट। ये लीजिए। आप मीटिंग से कब लौटेंगे? मैं अगर गया तो आपको फोन करके जरूर बता दूंगा। वैसे उन्होंने मेरे रहने का इंतजाम होटल विल्सन में किया है। अच्छा, ट्रैक सूट्स भी डाल रही हूँ। हाँ हाँ अक्षरा, ये दोनों फाइल भी प्लीज रख दीजिए। ठीक है नैतिक, चलिए नाश्ता कर लीजिए। नहीं अक्षरा, अभी रहने दीजिए, चलता हूँ। ओके, मुझे फोन जरूर कीजिएगा। हाँ, याद से शरीर। एक मिनट, और हाँ मुझे वो शॉप वाले का नंबर दे देना। हाँ वैसे शाम को दे दूंगा, अभी थोड़े जल्दी में हूँ मैं। शाम को। अरे अरे चलो चलो, बाय गुड़िया बाय। देखो पापा को ज्यादा मिस नहीं करना, पापा जल्दी जल्दी जाके जल्दी से वापिस आ जाएंगे, है ना? आपके पास हमारी गुड़िया के लिए टाइम है और हमारे लिए। चलो बाय, ना आपकी मामा जल जाएंगी। नहीं अब जाइए, हमारी गुड़िया तो अपनी दादी के पास जाएगी। जब तक आप दादी के साथ खेलोगी तब तक मैं अपने सारे काम जल्दी जल्दी निपटा लूंगी। वर्षा मुझे तुमसे कुछ बात कहनी थी। कही? जानता हूँ वर्षा, तुमसे दिन भर संभालती हो तो थक जाती होगी, घर के दूसरे काम भी होते होंगे, पर देखो कहीं बाकी दूसरे काम निपटाने के चक्कर में माँ के साथ कोई ज्यादती ना हो जाए। मतलब? मतलब ये कि देखो गुड़िया हमारी जिम्मेदारी है, माँ इसके साथ खेल लेती है वहां तक तो ठीक है, लेकिन अगर आपका मतलब है कि मैं अपनी जिम्मेदारी माँ पर डालती? देखो वर्षा मुझे गलत मत समझना, उस दिन घर पर मेहमान आए हुए थे पर माँ इसे संभाल रही थी जबकि सब लोग उन्हें नीचे बुला रहे थे। शौरव, मैंने माँ की मदद करने के लिए ही गुड़िया उन्हें दी, मैंने सोचा था कि मैं किचन में काम करूंगी, थोड़ी देर गुड़िया उनके पास रहेगी। आपको क्यों लगता है कि मैं गुड़िया के साथ रहना नहीं चाहती हूँ या मुझे गुड़िया का ध्यान नहीं है? ऐसी बात नहीं है, देखो मेरे मन में बात आई तो मैंने पूछ लिया। शौरव, माँ की जान बसती है हमारी गुड़िया में, एक पल भी इसे देखे नहीं ना तो उन्हें चैन नहीं मिलता है, अक्सर इसे लेने तो वो खुद ही आ जाती हैं। आप भी ना कुछ भी समझते हैं। अब जाइए, काका आपकी वेट कर रहे होंगे। शौरी भी ना। अभी तक फोन क्यों नहीं किया? पता नहीं काम यहीं हो गया है या फिर दिल्ली जाना पड़ेगा, पर फोन करके पूछ लूं, कर लेती हूं। नहीं नहीं अभी अगर मीटिंग में हो तो गुस्सा हो जाएंगे, थोड़ी देर में करती हूं। अक्षरा को फोन कर लेता हूं। अरे गुप्ता जी का फोन। हेलो जी, मैंने डिजाइन्स अपने मैनेजर के हाथ भिजवा दिए हैं। जी माफ कीजिएगा, मैं खुद नहीं आ सका, मुझे कुछ अर्जेंट काम से दिल्ली जाना पड़ रहा है। जी थैंक यू। उदयपुर से दिल्ली जाने वाली फ्लाइट नंबर 110 के फ्लाइट का टाइम भी हो गया है। अंतिम निवेदन है कि कृपया अपनी सुरक्षा जांच करवा लें। गुलाबू ये लो, इसे बाहर धूप में रख देना और अच्छे से दो चार बार हिला देना। जी भाभी आज आप काम में ही लगी रहेंगी, दादा को फोन नहीं करेंगे? सुबह बहुत बिजी थे इसीलिए जल्दी चले गए, आप ही फ्री हो गए होंगे, फोन करती हूँ। हाँ
रीचे बुला रहा है। लगता है नेटवर्क में, बाद में खुद ही कर लेंगे। सॉरी सर, आपको बहुत ही शॉर्ट नोटिस में बुलाना पड़ा। एक्चुअली मीटिंग बड़े अर्जेंट बेस पे रखी गई है। इतने शॉर्ट नोटिस में तो मुझे भी उम्मीद नहीं थी। तो सर, आप पहले होटल पहुंच के फ्रेश हो जाइए, उसके बाद इमीडिएटली आपको मीटिंग के लिए निकलना है। ओके। आपकी बुकिंग मैंने होटल ग्रूव में करवाई है। ग्रूव? लेकिन आपने तो होटल विल्सन कहा था। उसके लिए सॉरी सर, आपको गलत इन्फॉर्म कर दिया गया था। इट्स ओके। मैं अपनी वाइफ को एक बार इन्फॉर्म कर देता हूँ, वो परेशान होंगी, उनसे बात ही नहीं हो पाई। जी श्योर। अरे फ्लाइट से उतर कर तो मुझे फोन ऑन करना ध्यान ही नहीं रहा। लगता है बैटरी लो हो गई, फोन नहीं हो पाएगा। हाँ सर, मैं भी आपको फोन लगा रहा था तो नहीं लग रहा था। चलिए पहले होटल चलते हैं, वहाँ चल के देखते हैं। जी हाँ। गुलाबो आ गई भाभी, ये ले, इसे किचन में वही साइड में नीचे रखते हैं। शाम हो गई है, अभी तक नैतिक ने फोन नहीं किया है, पता नहीं कहाँ होंगे, दिल्ली चले गए हैं या नहीं। एक बार ऑफिस ट्राई करके देखती हूँ। हेलो, मैं अक्षरा सिंघानिया बोल रही हूँ, क्या मैं नैतिक से बात कर सकती हूँ? क्या, कब, दिन में चले गए हैं, कहाँ गए, क्या उन्होंने कहा कि वो दिल्ली जा रहे हैं? अच्छा ठीक है, थैंक यू। मैं तो किसी को कुछ पता ही नहीं है। मुझे एक फोन तो कर दीजिए, बहुत टेंशन हो रही है। भागा थोड़ी में मीटिंग रखी है कि 2 मिनट का टाइम भी नहीं। छोटी दुल्हन, मैं तुम्हारे दादाजी को दवाई देकर आती हूँ। सुन, बहु परेशान क्यों है? पता नहीं छोटी माँ, अच्छा वो सुबह ही फाइल्स रखी, रास्ते में पढ़ लेता हूँ। देर हो गई है, एक फोन करने का टाइम नहीं मिला, 8 बज गए हैं, इतनी देर तक तो कोई मीटिंग चलती है क्या? हेलो हेलो अक्षरा, कब से तेरा फोन मिला रही हूँ, मिल ही नहीं रहा था। हाँ वो बिजी था। अनन्या को अभी अभी सुलाया है तो सोचा तुझे फोन कर लूं, वरना कोई ना कोई काम तो लगा ही रहता है। हेलो। हाँ क्या हुआ अक्षरा, तू इतना चुप चुप क्यों है, अपनी क्लासेस से थक गई है क्या? नहीं वर्षा, मैं बहुत परेशान हूँ। क्यों, क्या हुआ? आज दोपहर से नैतिक का फोन ट्राई कर रही हूँ, लग ही नहीं रहा है। वर्षा वो दिल्ली जाने वाले थे और उन्होंने कहा भी था कि जाने से पहले वो मुझे फोन करेंगे, ना उनका फोन आया और ना ही ऑफिस में किसी को कुछ पता है।
अरे शायद उनकी कोई जरूरी मीटिंग होगी, बिजी हो गए होंगे। हाँ लेकिन मीटिंग कब तक चलेगी, दोपहर से रात हो गई है। अक्षरा तू ट्राई तो कर, वैसे भी आज नेटवर्क ठीक नहीं है, तेरा भी फोन बहुत मुश्किल से लगा था। तो मुझे बहुत घबराहट हो रही है, वो ठीक तो होंगे ना। अक्षरा कैसी बात करती है, ऐसा क्यों सोच रही है? हाँ हो सकता है उन्होंने घर में किसी को बता दिया होगा या माँ को बता दिया होगा। नहीं माँ से कहा होता तो मुझे जरूर बोलती या किसी से कहलवा देती। अक्षरा जाकर एक बार पूछ तो सही। ठीक है मैं एक बार पूछती हूँ। ये रिश्ता क्या कहलाता है। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।